इमेजिन कीजिए एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आप नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह मेन्यू से फूड ऑर्डर करते हैं और अलग अलग क्विजीन एंजॉय करते हैं, पर एक डिलीशियस मील के बाद आपको मिलता है एक एम्प्टी एनवेलप जिसमें बिल नहीं होता क्योंकि आपका मील एक गिफ्ट है। क्यों इम्पॉसिबल लग रहा है? लेकिन ऐसा रोज रियल में होता है अहमदाबाद के सेवा कैफे में। आज हम बिजनेस की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ और एक्सपेंशन ही सबकी प्रायोरिटी होती है, पर मानव सदन, ग्राम श्री और स्वच्छ सेवा जैसे एनजीओ द्वारा चलाई जाने वाली सेवा कैफे थोड़ी हटके है। पिछले 11 सालों से ये कैफे पेड फॉरवर्ड मॉडल या गिफ्ट इकोनॉमी फॉलो कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये गिफ्ट इकोनॉमी है क्या? गेस्ट का मील खाने के बाद उन्हें अपने खाने का बिल पे नहीं करना होता। एक्चुअली उनका बिल कोई पहले से ही भर के उन्हें गिफ्ट कर चुका है। उन्हें बस अपने मन से किसी और कस्टमर के लिए जितना उनका मन करे उतना अमाउंट गिफ्ट करना होता है और इस चेन को आगे बढ़ाना होता है। सो सेवा कैफे एक विचार है जहाँ पर जो गेस्ट है उसको सर्व करते हैं प्रेम के साथ। वॉलंटियर्स वहाँ पर आते हैं, खाना बनाते हैं और एकदम प्रेम से खिलाते हैं। जैसे हमारे गांव में कोई भी मेहमान आता है, अतिथि देवो भव के भाव से, ऐसे भाव से खिलाए खाने की कोई पैसों में मूल्य नहीं आंक सकता। यहाँ के वॉलंटियर्स खुद को मूव्ड बाय लव वॉलंटियर्स कहते हैं, और जहाँ खाने को इस मकसद से ही बनाया और सर्व किया जाए वहाँ के वॉलंटियर्स को सरप्राइज मिलते ही रहते हैं। कोई अपनी जेनरोसिटी से सरप्राइज करता है तो कोई कैफे को टेस्ट करता है, पर कभी इन वॉलंटियर्स को लगा कि लोग चीटिंग कर रहे हैं? आइए जानते हैं। होता भी है कई बार, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कई लोग आते हैं जो पहली बार आते हैं तो लगता है अच्छा यहाँ पर बिल नहीं है, तब तो हम बिल्कुल खाना खा लेते हैं। हम जब पहली बार आए थे तो मेरे मन में ये था कि मैं पे नहीं करूंगी, आज फ्री में खा के जाऊंगी, लेकिन इंस्टेड हम लोग ज्यादा पे करके गए क्योंकि हमें इस जगह से इतना प्यार हो गया कि हम ऐसे खाली हाथ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। सेवा कैफे थर्सडे टू संडे इवनिंग 7 to 10 ओपन रहता है, या जब तक 50 गेस्ट सर्व नहीं हो जाते। मंथली बेसिस पे इनकम और एक्सपेंडिचर्स टैली किए जाते हैं। मंथ एंड में कलेक्ट हुआ प्रॉफिट चैरिटी के लिए यूज होता है। ये पूरी तरह से वॉलंटियर्स की हेल्प से चलता है, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक, यहाँ तक कि टूरिस्ट भी यहाँ वॉलंटियरिंग करते हैं। अगर आप यहाँ आकर वॉलंटियर करना चाहते हैं तो अपना टैलेंट आप बहुत तरीके से दिखा सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो खाना बनाएं, बर्तन अच्छे से धो लेते हैं तो वो भी इंतजाम है। आपको खिलाने का शौक है तो सर्विंग आपके लिए परफेक्ट होगा। अरे भैया एक बार मन तो बनाइए सेवा करने का। सेवा कैफे में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। हाँ, सेवा कैफे में दिल जीतने वाली मील खाने के बाद हम बाहर निकले तो हमें मिले एक और मूव्ड बाय लव वॉलंटियर उदय भाई, जिनका लव ऑल सर्व ऑल ऑटो रिक्शा गिफ्ट इकोनॉमी का एक और हिट एग्जाम्पल है। 2010 से हफ्ते में 6 दिन उदय भाई पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ते तो हैं, पर उनके लिए अपने ऑटो का मीटर डाउन नहीं करते। मेरी ऑटो में जो भी राइड्स करता है, जहाँ बिठाने के बाद में जहाँ उनका स्टॉप आता है वहाँ पे उनको ड्रॉप करता हूँ, तो उतरने के बाद में उनको एनवेलप देता हूँ, उनका जो डील करे वो पे करते। कोई 5 रखता है, कोई 50 भी रखता है, कोई 500 भी रखता है, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट से ये जुड़ी हुई है ऑटो सेवा की प्रवृत्ति से। उदय भाई की ऑटो राइड सच में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अंदर बैठते ही आपको पानी, स्नैक सब अरेंजमेंट्स हैं। आप अपने सफर के दौरान ऑटो में लिखे इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़कर सफर को मंगलमय कर ही सकते हैं। शायद आपको लाइफ में भी एक नई इंस्पिरेशन मिल जाए। अगर आप भी कभी अहमदाबाद में हो तो उदय भाई के ऑटो में बैठकर सेवा कैफे जरूर आएं और यहाँ के इन मूव्ड बाय लव वॉलंटियर्स की पैम्परिंग और टेस्टी फूड जरूर एक्सपीरियंस कीजिए।